फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में जो कि छोटे बच्चों को लेकर के किए जाते हैं। हम ऑलरेडी अपने 9th मंथ में एंटर कर चुके होते हैं, हम अपने बच्चे को वेलकम करने की तैयारी कर रहे होते हैं, हम हॉस्पिटलाइज भी हो जाते हैं, बेबी बॉर्न हो जाता है और बहुत सारे लोग आते हैं मिलने के लिए, बच्चे को देखने के लिए। उनकी बहुत सारी एडवाइसेस भी शुरू हो जाती हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, इसके साथ ऐसा ट्राई करो, वैसा करो, अगर ऐसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा। तो इस टाइप की कुछ बातें बनाने लगते हैं, वो लोग बताने लगते हैं, एडवाइसेस देने लगते हैं। उन सब चीज़ों में हम भूल ही जाते हैं कि हमें हमारे बच्चे को वेलकम भी करना है, जिसको जिसके लिए हम 9 मंथ्स तक वेट करते हैं वो आ चुका है और हम उसे वेलकम ही नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि हमें बहुत सारे एडवाइसेस मिल रही हैं और हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमें करना क्या है। तो आज हम ऐसे कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो जनरली बड़े हमें एडवाइस करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं उन्हें फॉलो करना तो आप करें, लेकिन उनके पॉजिटिव साइड को देखकर करें, ना कि नेगेटिव साइड को। और अगर आप उसे प्रमोट भी करना चाहते हैं तो भी उन्हें पॉजिटिव साइड्स के बेसिस पर ही प्रमोट करें, नेगेटिव साइड के बेसिस पे नहीं। तो चलिए बात करते हैं आज हम उन कुछ मिथ्स के बारे में जो कि आप सभी जानते हैं, बट फिर भी हम एक बार उन्हें डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला मिथ ये है कि बच्चे की आंखों में काजल लगाना चाहिए, उससे आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। बच्चों की आंखों में काजल लगाने से आंखें कभी बड़ी नहीं होती हैं। हाँ, उसका पॉजिटिव साइड ये है कि आप अगर उसकी आंखों में काजल लगाएंगे तो बच्चे की आंखें जो हैं वो अट्रैक्टिव दिखेंगी, लेकिन उसका आंखों का बड़ा होने से कोई रिलेशन नहीं है। तो आप ये सोच करके अपने बच्चे को काजल मत लगाइए कि उससे उसकी आंखें बड़ी हो जाएंगी। तो ये एक मिथ है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगाइए, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू कि उसका पॉजिटिव साइड देखकर लगाइए। दूसरा मिथ ये है कि बच्चे को अगर हम रैप करेंगे क्लोथ में तो उसके हाथ पांव सीधे रहेंगे, नहीं तो टेढ़े हो जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा नहीं होता है कि आप अगर बच्चे को स्वेडल नहीं करेंगे प्रॉपरली तो उसके हाथ पांव टेढ़े हो जाएंगे, उसके हाथ पांव सीधे नहीं रहेंगे। आप डॉक्टर्स के साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं इस बारे में, लेकिन स्वेडलिंग जो है इफेक्टिव होती है, लेकिन तब जब विंटर सीजन होता है तो अगर हम उन्हें स्वेडल करते हैं तो उन्हें थोड़ा कम्फर्टनेस आता है और थोड़ा वार्म फील होता है, जिसकी वजह से उनको नींद अच्छी आती है। दूसरी बात ये कि आपको बच्चों को कैरी करना इजी हो जाता है स्वेडलिंग के थ्रू। तो ये दो पॉजिटिव साइड्स हैं इसके। आपको अगर अपने बच्चे को स्वेडल करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसका ये रीज़न नहीं है कि उनके हाथ पाँव टेढ़े हो जाएंगे, नहीं। तीसरा मिथ ये है कि अगर बच्चा रो रहा है तो उसे रोने दो, नहीं तो अगर हम उसे उठाएंगे तो वो स्पॉइल हो जाएगा, नहीं तो उसे हमेशा ऐसी आदत लग जाएगी। ऐसा भी नहीं है। आप जिस बेबी के लिए 9 मंथ्स तक वेट करते हैं, आप उसे ऐसे ही रोने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? तो मेरा मानना ये है कि अगर बच्चा रो रहा है तो डेफिनेटली उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, उसे कुछ डिस्कम्फर्टनेस हो रहा होगा जिसकी वजह से वो रो रहा है। तो आपको उसे उठाना चाहिए, कडल करना चाहिए, आपको उसे कोशिश करना चाहिए समझने की कि उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है। मे बी आपको समझ में आ जाए कि शायद उसे गैस हुई है या कुछ और प्रॉब्लम की वजह से वो रो रहा है, या फिर वो लेटे लेटे बोर हो गया और उसे चाहिए कोई कि मुझे कोई ले, मुझसे बात करे। चौथा मिथ ये है कि अगर बेबी को वॉकर में चलाएंगे तो वो जल्दी चलना सीखेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। बेबी जब खुद से रेडी हो जाता है, उसके बोन्स मसल्स डेवलप हो जाते हैं, वो चलने लायक हो जाता है, तो वो अपने आप चलना शुरू करता है। आप देखेंगे कि 1 साल के बाद बच्चे खड़े होने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को पकड़ पकड़ के चलना सीखते हैं, वॉकर के थ्रू चलना सीखेगा, जल्दी चलना सीखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि मैं आपको बताती हूँ कि वॉकर्स के साथ एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं, क्योंकि वॉकर्स में व्हील्स होते हैं और बच्चे इतने फास्ट उसके साथ जाते हैं कि कहीं भी धड़क सकते हैं या फिर कहीं भी उनकी टक्कर हो जाएगी और वो वॉकर जो है वो पलट भी सकता है, उससे आपके बच्चे को भी इंजरी हो सकती है। तो फिफ्थ मिथ ये है कि बच्चे को पाउडर लगाने से बच्चा गोरा हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे को पाउडर लगाने से बच्चे गोरे नहीं होते हैं, उनका जो जेनेटिक इफेक्ट उन पे होता है उसकी वजह से ही उनका कलर गोरा, काला या फिर सांवला ये डिसाइड होता है। पाउडर का उसमें कोई भी रोल नहीं होता है। इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि पाउडर कभी भी पाउडर पफ से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पाउडर पफ का अगर हम यूज़ करते हैं तो पाउडर हर जगह उड़ता है और बच्चों की नाक में कान में जा सकता है, जिसकी वजह से उन्हें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं।
सिक्स्थ में ये है कि लोग ऐसे बोलते हैं कि जब बच्चा सो जाए तब आपने भी नींद ले लेना चाहिए, आपने भी सो जाना चाहिए, जबकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है. ऐसा पॉसिबल नहीं है हर बार कि हम बच्चों के स्लीपिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग अपना स्लीपिंग पैटर्न चेंज करें. बच्चे कभी भी सोते हैं, कभी भी जागते हैं, ऐसा नहीं है. वो हो सकता है कभी आधा घंटा सोए, कभी एक घंटा सोए, कभी चार घंटे भी सो सकते हैं. तो ज़रूरी नहीं कि वो एक घंटा सोए तो हम भी सो जाएं और हमें नींद आए उस समय, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है. तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है. सेवन बात ये कि मालिश करने से बोन्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं होता है. बट हाँ, मालिश करने से बच्चे थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, उनके मसल्स लूज हो जाते हैं और उन्हें मालिश करने के बाद, नहलाने के बाद काफ़ी अच्छी नींद आती है और उन्हें काफ़ी आराम फील होता है. इसलिए उनकी मालिश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, न कि इसलिए कि अगर हम मालिश नहीं करेंगे तो उनके बोन्स कमज़ोर हो जाएंगे, बोन्स वीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता. एट्थ में ये है कि गर्मी बहुत हो रही है, बच्चे को थोड़ा सा पानी पिला देना चाहिए, उसे प्यास लगी होगी. अगर आपका बच्चा छः महीने का है या फिर 6 महीने से छोटा है तो उसे डेफिनेटली पानी नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पर होते हैं उन्हें मदर मिल्क से ही सब कुछ मिल जाता है, उन्हें वाटर की कमी भी नहीं होती है और जो न्यूट्रिशंस उन्हें चाहिए होते हैं वो सब मदर मिल्क से मिल जाता है. तो आप ऐसी गलती मत करें, उन बच्चों को इन्फेक्शन भी हो सकता है. जो बच्चे 6 महीने से छोटे हैं उन्हें एक्सक्लूसिव पानी मत पिलाइए. एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करना इज़ फाइन, बट पानी मत पिलाइए उन्हें. अगर बड़े हैं बच्चे तो आप यू कैन गो फॉर दैट, बट छोटे बच्चों को मत पानी पिलाइए. नाइन्थ मिथ ये है कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि बच्चे जब बॉर्न होते हैं तो उनका चेस्ट को प्रेस करना चाहिए, जिससे कि उनका साइज रिड्यूस हो जाता है, थोड़ा मिल्क आता है. ये भी नहीं करना चाहिए, इससे बच्चों को तकलीफ होती है और बच्चों को पस भी हो सकता है. तो आप ये चाहें तो ये डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं कि ये हमें करना चाहिए या नहीं. मेरी एडवाइस तो ये है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, इससे बच्चे बहुत तकलीफ होती है बच्चों को. तो ये कुछ एक मिथ्स थे जो मुझे लगता है कि हमें नहीं फॉलो करना चाहिए. और अगर फिर भी आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप कीजिए फॉलो इन्हें, लेकिन इनका जो पॉजिटिव साइड है वो देख करके आप इन्हें फॉलो कीजिए. और अगर आप इन्हें प्रमोट भी करते हैं तो भी इनका पॉजिटिव साइड दिखाकर ही प्रमोट कीजिए. अगर आप इनका नेगेटिव साइड दिखाएंगे तो कुछ लोग डर जाएंगे, कुछ लोग कुछ भी सोच सकते हैं. तो मैं नहीं चाहती कि हम किसी को डराएं या किसी को सुपरस्टिशियस लगे हम. इसलिए अगर आप फॉलो करते हैं दैट डजंट मीन कि दूसरे भी फॉलो करें, लेकिन अगर आप दूसरों से फॉलो करवाना चाहते हैं तो अगेन माय रिक्वेस्ट इज कि पॉजिटिव साइड दिखा कीजिए, नेगेटिव साइड नहीं. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर इन्फॉर्मेशन. एंटिल देन, गुड बाय.